गोरखपुरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पनीर पसंदा, जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं बना के दिखाऊंगी। तो चलिए आइए एक नज़र देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए। यहाँ पे लिया है मैंने आधा कटोरी मैदा, नमक स्वाद के अनुसार, 100 ग्राम पनीर जिसे मैंने मैश करके रखा है, और काजू बादाम पिस्ता मैंने दो दो चम्मच इसको क्रश करके मिक्सी में लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं पनीर के स्टफिंग के लिए ले रही हूँ। इसके बाद 1/2 kg मैंने पनीर लिया है और इसको ट्रायंगल शेप में मैंने काटा है, और थोड़ा सा ये चौड़ा पीस रहेगा, इसकी मोटाई ठीक रहेगी ताकि इसके अंदर हम लोग फिल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम लोग फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने जो पनीर लिया है इसको एक बोल में हम लोग डाल लेंगे। फिर इसके बाद जो काजू पिस्ता बादाम मैंने मिक्सी में क्रश करके रखा है इसको मिला लेंगे पनीर में। ये देखिए इस तरह से हम मैंने जो थोड़ा पाउडर फॉर्म में है उसको मैंने इसमें मिला दिया है। हल्का नमक रहेगा क्योंकि ग्रेवी में भी हम लोगों को नमक डालना है, तो इसमें थोड़ा हल्का नमक हम लोग रखेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी फिलिंग तैयार हो गई है, इस तरह से हम लोग रखेंगे। तो एक या दो पीस मैं आपको बना के दिखा दूंगी कि किस तरह से कट करेंगे और किस तरह से फिल करेंगे स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पीस देखिए काटा है, एक सिरे से हम लोग काटेंगे और एक सिरा जुड़ा रहेगा इस तरह से, और इस साइड से हम लोग नहीं काटेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगाया है और पीछे सिरे से जुड़ा हुआ है। इसकी स्टफिंग कर लें हम लोग। लगभग 1 चम्मच जितना इजीली इसमें आ जाए उतना ही रखना है, क्योंकि फिर वो ना ऑयल में निकल के फैलने लगेगा और पैक नहीं होगा बहुत अच्छे से। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे हम लोग। ये देखिए कितना अच्छे से फिल हुआ है, और 2 पीस मैंने रेडी कर लिया है, बाकी मैं बाद में करूँगी। ये मैदा मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसमें हल्का सा पानी मिला के इसको डिप करके ऑयल में फ्राई कर सकूँ और इसकी फिलिंग निकले ना। तो ग्रेवी के लिए भी देखिए सामान हम लोग देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे लिया मैंने हल्दी, 2 टमाटर के पेस्ट, गरम मसाला 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा प्याज और नमक, फ्रेश क्रीम 2 चम्मच और रेड चिल्ली पाउडर। ये मैंने ग्रेवी के लिए सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे, और डीप फ्राई करना है तो ऑयल अच्छे से लेना है। ये मैंने 1 पीस इस तरह से इसमें डिप करके डाल दिया। ये देखिए इसकी स्टफिंग निकले ना और चारों तरफ से मैदा लग जाए, इस तरह से इसको फ्राई करना है। ये देखिए तीनों चारों तरफ से मैंने इसको मैदा लगा के पैक कर दिया है ताकि ये ना निकले ऑयल में जाकर। मैदे का पेस्ट बहुत ही पतला नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो उसकी फिलिंग निकलने लगेगी। ये देखिए लाल हो गया है हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी में भी इसको डालना है। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसकी हम लोग ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो मैं डाल दूंगी, 2 चम्मच मैंने लिया है।
इसको हल्का लाल कर लेंगे। फिर इसके बाद बारीक कटा प्याज जो मीडियम साइज का था, इसको भी थोड़ा लाल करना है। ये देखिए हल्का लाल हो गया है ये। अब हम लोग इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, जो दो टमाटर से मैंने रेडी किया है। साथ ही डालेंगे सारे मसाले हम लोग। सबसे पहले मैं हल्दी ऐड करूंगी आधा चम्मच, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, फिर गरम मसाला आधा चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम लोग, इसकी खुशबू ताकि आ जाए ग्रेवी में, और बाकी बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे बना रही हूँ। फिर जो स्टफिंग का बचा हुआ था वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। जो पिस्ता था, काजू था, बादाम था, मैंने इसमें डाल दिया है, और पनीर भी मिक्स था उसमें, तो ये बच गया था, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट आता है, और मेवों की जो अपनी अलग खासियत होती है वो इस ग्रेवी में आ जाएगी। दो चम्मच क्रीम मैंने लिया है यहाँ पे, आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा स्पाइसी बनाना था तो मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। अब मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम लोग। कलर बहुत अच्छा आया है और ऑयल छोड़ने लगा है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी अगर मुझे कम लग रहा है तो मैं फिर से थोड़ा ऐड करूँगी। अभी भी पानी कम है, मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। लगभग आधा ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा और तो ये रेडी है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको हाई फ्लेम पे बनाया है। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है, ग्रेवी बहुत थिक नहीं करनी है, मीडियम रखना है। देखिए रेडी हो गया पनीर पसंदा, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्टफिंग इसकी बहुत ही अच्छी हुई है। अब इसको हम लोग धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, पनीर हल्का सा ग्रेट कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और कहीं भी स्टफिंग इसकी नहीं निकली है, और बहुत ही अच्छा एक पनीर का ये डिश है। इसको प्लीज़ दोस्तों ट्राई करिए आप, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको कैसा लगा ये।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।